नमस्कार, मैं कमलेश द्विवेदी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, अब तक हमने कक्षा 10 की हिंदी के प्रथम पाठ विनय के पद से कवि परिचय, उनकी भाषा शैली, पाठ की व्याख्या तथा अन्य विषयों पर चर्चा की, लघुत्तरी प्रश्न पढ़े। अब आज हम इसके दीर्घोत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सब लोग अपनी पुस्तक सामने रखें, क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने परम हित किसे माना है? पहला पद है, आप उस पर इसके आंसर को खोजने का प्रयास कीजिए। थोड़ा देखिए कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है। देखें, चलिए अब मैं बताता हूँ। तुलसीदास जी ने भगवान राम के श्री चरणों में स्नेह प्रीति को ही परम हित माना है। भगवान श्री राम के चरणों में स्नेह प्रीति को ही परम सुख परम हित माना है। अर्थात जब हम भगवान की भक्ति में या उनकी शरण में चले जाते हैं तो हमारा चारों तरफ से सिर्फ हित ही हित है, हमें कहीं भी उसका नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? देखेंगे पद में, देखेंगे परवश जान हंसे इन इंद्रिन, उस पर आप गौर करेंगे उस पद पे, और इस क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन को मैं बता दूं। कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है? कवि ने पहले ही बताया, परवश जाने वसे हंसे हो इन इंद्रियों। कवि का कहना है कि जब तक मैं इन इंद्रियों के वश में था तब तक इनने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ठीक है, अर्थात मैं भगवान की भक्ति से विमुख था, लेकिन अब जब मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, अर्थात इंद्रियां मेरे बस में हो गई हैं, तो अब मैं इन इंद्रियों पर हंसूंगा, इनकी हंसी उड़ाऊंगा। इस प्रश्न का मतलब सिर्फ इतने से था। ठीक है, फिर है, पायो नाम चारु चिंता मणि से कवि का क्या आशय है? ये पद तो आपके सामने है, इसका आशय बताना, भावार्थ बताना, जो मैंने आपको पाठ की व्याख्या पे बताई है, आप थोड़ा गौर करें उस पर और आंसर अपने मन में लाने का प्रयास करें। ठीक, तो देखें, पायो नाम चारु चिंता मणि, पायो नाम चारु चिंता मणि से कवि का तात्पर्य यह है कि अब मुझे भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब हम उन्हें स्मरण करने लगे हैं, अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, अब हमें कोई भी मोह बंधन बांध नहीं सकता। ठीक है, अगला भाव सौंदर्य बताना है, भाव सौंदर्य लिखिए। इसमें है, अंजन कहाँ आँख जी फूटे, इसका मतलब क्या है? कवि इस पद के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं, सिर्फ आपको ये बताना है, इसका भाव बताना है। तो बताने का प्रयास करेंगे क्या आप? बताइए भाव। इसमें इस पद का भाव यह है कि अंजन का आंख जी फूटे, कि हमें कोई भी इस कार्य समय पे करना चाहिए, अगर वक्त बीत गया उसके बाद उस कार्य को करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे कि आंख के फूट जाने पर उसमें काजल लगाना, सूरमा लगाना किसी मतलब का नहीं, पूर्णतः निरर्थक है।
समझ गया। फिर है राम कृपा भाव निशा सिरानी, इस पद का भाव बताएंगे। इस पद के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे। तो इस पद के माध्यम से कवि ने भगवान राम की भक्ति, उनकी कृपा, उनके आशीष के महत्व के विषय में बताया है। और उन्होंने यह कहा है कि उन भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाने से हमें बाकी सांसारिक रात्रि रूपी तकलीफ का अंत हो जाता है, हमें फिर किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति या कोई भी परेशानी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हमारी भक्ति भावना निरंतर बढ़ती रहती है। अगला, अब लो नशानी अब न नशी हो, बहुत शानदार लाइन है, आप लोग देखेंगे। अब लो नशानी अब न नशी हो, अगर अभी तक हमने से कुछ गलत हुआ भी है, हमने वक्त खराब भी किया है, पर अभी भी अगर हम सुधर गए, मतलब जाग गए, उस पर पूरा कार्य पूरा ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया है तो फिर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अब लो नशानी, अभी तक तो हमने बहुत कुछ बिगाड़ दिया, खराब कर दिया, लेकिन अब नहीं बिगाड़ूंगा, अब गड़बड़ नहीं होने दूंगा। तो इस पंक्ति का भाव है कि निराशा को त्याग कर, भाई जब तक हमारे काम बिगड़ रहे होते हैं तब तक हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं कि कब तक ऐसा चलेगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने सीधे शब्दों में सिर्फ एक लाइन में समझाया है कि अब मैं उन सारी निराशाओं को त्याग कर सुंदर भावना उत्पन्न करूंगा, मतलब आशावान बनूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे भाषा अनुशीलन, पुस्तक आप सबके सामने खुली होगी और आप देखेंगे भाषा अनुशीलन में कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न है, उन्हें आप देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखने हैं। ठीक है, तो मानक रूप कैसे करेंगे अपन, इन मानक रूपों को उस पर अपन चर्चा करते हैं कि मानक रूप का समाधान क्या है। ठीक है, तो देखें मानक रूप, निम्नलिखित मानक रूप जैसे क्या लिखा है, जाके, इसका वास्तविक रूप क्या होगा, जैसे ये लिखा है जाके, पद में आपने पढ़ा होगा जाके प्रिय न राम वैदे ही। ठीक है, तो जाके मतलब, इसका मतलब सिर्फ अपने भाषा में इसका मतलब बता देना, वही है मानक रूप, जाके मतलब जिसे। ठीक है, अगला है छाड़िए, छाड़िए मतलब बताइए, छाड़िए छाड़िए, छाड़िए का मतलब क्या होता है, त्याग दीजिए या छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, त्याग दीजिए। ठीक है, त्याग कर या त्याग दीजिए। अगला है यद्यपि, यद्यपि का क्या मतलब होगा, यद्यपि का होगा यद्यपि। ठीक है, ऐसे ही चार शब्द और हैं जिन्हें आप स्वयं करेंगे। अगर इसमें कहीं पे आपको दिक्कत होती है, कहीं परेशानी आती है, तो इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप स्वयं कुछ प्रयास करेंगे। आगे निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखना है, पर्यायवाची आप लोग जानते हैं,
पर्यायवाची शब्द होते क्या है? पहली बात तो भाई कोई शब्द आया है तो उसकी विशेषता क्या है, उसका मतलब क्या है, इस पे तो हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है किसी भी शब्द के एक से अधिक नाम को बता देना जिसका मतलब वही होता है, जैसे कमल का पंकज, अंबुज, नीरज, ये सब ऐसे, इसे हम पर्यायवाची के शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है पर्यायवाची का बंधु, बंधु। अब आपको बताना है कि इस बंधु का मतलब और क्या क्या होता है, ठीक है? तो बंधु का मतलब क्या होता है? भ्राता, भ्राता बोले तो भाई, सहोदर, सहोदर मतलब एक ही माँ के जन्मे बच्चे, ठीक। और भाई, ये हो गया आपका इसका पर्यायवाची। अगला शब्द है नेह, ठीक है, नेह। नेह का मतलब होता है प्रेम, इस या स्नेह, ठीक है। फिर और एक और उर, क्या लिखा है? उर। उर का क्या मतलब? तो देखें, उर का मतलब होता है हृदय। और क्या होगा? अंतर, ये वो वाला अंतर नहीं, डिफरेंस बताने वाला अंतर नहीं है, अंतर मन को बताने वाला अंतर है। और वक्ष, ठीक। ऐसे अभी और कितने शब्द बाकी हैं? तीन शब्द हैं जिन्हें आप करेंगे। अगर इसमें दिक्कत है, परेशानी है, तो उस पर हम पुनः चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका आखिरी प्रश्न है, देखेंगे आप, पाठ में स्नेह, निसि आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठ के अंदर इन शब्दों का, तद्भव शब्दों का, कई तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसमें इन्होंने उदाहरण में लिखा है स्नेह, निसि आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार के अन्य तद्भव शब्दों को छाट कर लिखिए। अन्य, इसके अलावा भी तद्भव शब्द लिखने हैं। तद्भव का मतलब सीधा सा है, जैसा है, वो जैसा शब्द लिखा है वैसा ही लिखना है, हमें उस पर कोई फेर बदल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब अन्य तद्भव शब्द, एक तो आपके पाठ में देखेंगे यद्यपि, ये भी तद्भव है, ठीक है। यद्यपि के बाद है महतारी, नेह, महतारी, महतारी मतलब माँ को कहते हैं हम, नेह का मतलब स्नेह होता है, और यद्यपि का मतलब मैंने ऊपर आपको लिख के बताया था। ऐसा करके तो नेह का मतलब क्या बताया था, सॉरी, यद्यपि का मतलब क्या हुआ था? यद्यपि, ठीक है ना। तो इसके आगे और भी शब्द आपको ढूंढने हैं और उन्हें लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से यह पाठ आपका पूर्ण हुआ। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और आगे के और वीडियो के लिए चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। धन्यवाद।